क्वांटम अनसर्टेनिटी के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि क्वांटम फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड को एक साथ मेजर क्यों नहीं किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोमेंटम के एक साथ मेजरमेंट में हमेशा ही अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इनके बीच के अनसर्टेनिटी रिलेशन को इस इक्वेशन से बताया जाता है। बट इस रिलेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ये कि इस इक्वेशन में डेल्टा का फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी के अनसर्टेनिटी को मेजर कैसे किया जाता है। दूसरा ये कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी का यह रिलेशन सिर्फ मोमेंटम के साथ ही क्यों है, किसी और क्वांटिटी के साथ क्यों नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। कई बार पोजीशन और मोमेंटम के बीच के अनसर्टेनिटी रिलेशन को इस इक्वेशन से बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में यह रिलेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसकी वजह है अनसर्टेनिटी के लिए काम में लिया गया सिंबल डेल्टा। किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में क्वांटम अनसर्टेनिटी उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि डेल्टा से। इसलिए पोजीशन और मोमेंटम के बीच के अनसर्टेनिटी रिलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यह होता है। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट का यह एक डेटा सेट है। अगर इसके एवरेज या मीन वैल्यू की बात करें तो यह इस फॉर्मूले से दिया जाता है। नाउ किसी क्वांटिटी और उसके एवरेज का डिफरेंस उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में डेविएशन कहलाता है। इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस डेविएशन का एवरेज लेकर स्क्वायर करें तो यह क्वांटिटी के मेजरमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांटिटी के मेजरमेंट में डेविएशन के स्क्वायर के एवरेज का रूट यानी रूट मीन स्क्वायर होती है। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को इस फॉर्मूले से डिफाइन किया जा सकता है। यह स्टैंडर्ड डेविएशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फिजिकल मीनिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक क्वांटिटी है जो बताती है कि किसी डेटा सेट के मेंबर्स उस सेट की मीन वैल्यू से कितना डिफर कर रहे हैं। कम स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि सेट के मेंबर्स की वैल्यूज मीन वैल्यू के काफ़ी क्लोज हैं। वहीं अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि सेट के मेंबर्स की वैल्यूज मीन वैल्यू से काफ़ी फैली हुई है। इसलिए पोजीशन और मोमेंटम के बीच की क्वांटम अनसर्टेनिटी रिलेशन इस तरह से डिफाइन होती है, जहां सिग्मा एक्स और सिग्मा पी पोजीशन और मोमेंटम के मेजरमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कि पोजीशन के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी केवल मोमेंटम के साथ ही क्यों आती है, किसी और क्वांटिटी के साथ क्यों नहीं। इसे समझने के लिए हमें अनसर्टेनिटी रिलेशन को किसी भी दो ऑब्जर्वेबल्स ए और बी के लिए डिफाइन करना होगा। किसी दो ऑब्जर्वेबल्स ए और बी के मेजरमेंट में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ए और सिग्मा बी हो तो उनके बीच के क्वांटम अनसर्टेनिटी रिलेशन को इस इक्वेशन से बताया जाता है। यह रिलेशन क्वांटम अनसर्टेनिटी का जनरल फॉर्म है, जहां ए बी ए और बी के बीच के कम्यूटेशन रिलेशन को बताती है। किसी भी दो ऑब्जर्वेबल ए और बी के बीच के कम्यूटेशन रिलेशन को इस रिलेशन से डिफाइन किया जाता है। अगर दो ऑब्जर्वेबल्स के बीच का कम्यूटेशन जीरो के इक्वल हो तो इन ऑब्जर्वेबल्स को कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं। ऐसे ऑब्जर्वेबल्स सेम आइगन फंक्शन को शेयर करते हैं। कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स के लिए क्वांटम अनसर्टेनिटी जीरो के इक्वल होती है, मतलब इन्हें एक साथ 100% सर्टेनिटी से मेजर किया जा सकता है। वहीं अगर दो ऑब्जर्वेबल्स के बीच का कम्यूटेशन नॉन जीरो हो तो ऐसे ऑब्जर्वेबल्स इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स कहलाते हैं। ऐसे ऑब्जर्वेबल्स सेम आइगन फंक्शन को शेयर नहीं करते। इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स के लिए क्वांटम अनसर्टेनिटी नॉन जीरो होती है, मतलब इन्हें एक साथ 100% सर्टेनिटी से मेजर नहीं किया जा सकता है। बात करें पोजीशन और मोमेंटम की तो ये दोनों ऑब्जर्वेबल्स इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स हैं, जिनका कम्यूटेशन नॉन जीरो आयोटा एच बार के इक्वल होता है। यही वजह है कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ 100% सर्टेनिटी से मेजर नहीं किया जा सकता है। इनके मेजरमेंट में कम से कम h बार बाई 2 की अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी। क्वांटम अनसर्टेनिटी के प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था
कि क्वांटम अनसर्टेनिटी के एग्जिस्ट करने की वजह है पार्टिकल का ड्यूअल नेचर, जिसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्रॉगली के वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट और मैटर वेव से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे।